किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अगर स्मार्ट बनाना है तो सेमीकंडक्टर तो चाहिए ही, और जिस तरह से दुनिया भर में इस समय स्मार्ट डिवाइसेस की डिमांड बढ़ रही है तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर इस समय उस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम अपने इंडिया की ही बात करें तो इस वक्त भी हम यूएस, चाइना और ताइवान जैसे कंट्रीज पर डिपेंडेंट हैं चिपसेट को लेके, सेमीकंडक्टर को लेके। वैसे तो 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडिया का अपना सेमीकंडक्टर मिशन अनाउंस किया था, जिसको लेके 76,000 करोड़ रुपए की राशि भी अनाउंस की गई थी। तब से लेके अब तक तकरीबन एक साल का वक्त मुकम्मल होने वाला है, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई इंडियन स्टेट इस मिशन पर कुछ ठोस काम करता हुआ नजर आया है। तो कौन सा वो स्टेट है और क्या होने वाला है इंडिया में ठोस सेमीकंडक्टर के बारे में बताएंगे इस वीडियो में। लास्ट तक देखिए, मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्ज। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ISM इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन अनाउंस किया था, जिसके तहत दुनिया के बड़े इन्वेस्टर्स को यानी कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स को इनवाइट किया गया था अपनी यूनिट यहां पर एस्टैब्लिश करने के लिए। इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने 76,000 करोड़ रुपए जैसी बड़ी राशि भी अनाउंस की थी, लेकिन एक साल में कुछ ठोस हुआ नहीं। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी इंडियन स्टेट ने कुछ ठोस कदम उठाया है। गुजरात ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी आज बनाई है। इस पॉलिसी के तहत दो तरह के मैन्युफैक्चरर इंक्लूड होंगे, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग वाले और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग वाले। अब इस नई पॉलिसी के तहत होने क्या वाला है वो समझाते हैं। अहमदाबाद के नजदीक में 200 एकड़ जमीन एक्वायर की है गवर्नमेंट ने, जहां पर एक सिटी बनने वाला है, धौलेरा सेमीकॉन सिटी। यहां पर इस सिटी के अंदर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरर्स को प्लॉट दिए जाएंगे स्पेशली। अब इसमें इन्वेस्टर्स के लिए भी कुछ पर्क रखे हैं ताकि वो यहां पर अट्रैक्ट हो सके। क्या पर्क्स हैं समझाते हैं। जो भी प्लॉट इन्वेस्टर लेना चाहेगा उसमें 75% तक की छूट स्टेट गवर्नमेंट देने वाली है। साथ ही साथ जो स्टैंप ड्यूटी होती है जब प्लॉट एक्विजिशन होता है तो उसमें 100% कंपनसेट गुजरात गवर्नमेंट करेगी। इसके अलावा जो बेसिक नीड है यानी कि पानी और बिजली, उसमें भी बड़ी छूट मिलने वाली है। 10 सालों तक यानी 2032 तक इन्वेस्टर को सिर्फ 10 रुपए पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से पानी मिलता रहेगा। बिजली की बात करें तो सिर्फ 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिजली मिलेगी। इसके अलावा कुछ इन्वेस्टर्स को अगर गवर्नमेंट चाहेगी कि उन्हें और भी ज्यादा छूट दी जाए तो उन्हें 100% जो बिजली ड्यूटी है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, उसमें छूट मिल सकती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट इन्वेस्टर्स को मिलने वाले हैं, जैसे कि सिंगल विंडो होगी जहां पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, सबकी जो भी क्लियरेंस है, जो भी एप्लीकेशन है, जो भी फॉर्मेलिटीज है इस नए इन्वेस्टमेंट के लिए, वो सारी की सारी क्लियर की जाएंगी ताकि उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े और आसानी से इजीली इन्वेस्टर अपना काम यहां पर शुरू कर सके। तो इन्वेस्टर के लिए बाकी में बहुत बड़े बड़े फायदे यहां पर अनाउंस किए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टेट में जॉब सीकर्स की, तो उनके लिए भी तकरीबन 2 लाख के आसपास नई वैकेंसीज निकल सकती है इस नए सिटी को बनने के बाद। अगर हम आपको बताएं कि इंडिया में इस समय सेमीकंडक्टर की डिमांड कितनी है, तो सिर्फ 2018 के मुताबिक 1.1 लाख करोड़ सेमीकंडक्टर इंडिया को चाहिए थे। अगर 2018 का ये आलम था तो 2022 और आने वाले दिनों में क्या आलम हो सकता है आप समझ सकते हैं। लेकिन एक अनुमान मैं अगर प्राइस के अकॉर्डिंग बात करूं तो तकरीबन 2025 का अनुमान है कि $80 बिलियन की ये मार्केट इंडिया में सिर्फ सेमीकंडक्टर की बनने वाली है। वैसे दोस्तों हर चीज आपको स्मार्ट इसी से बनने वाली मिलेगी। तो देखते हैं दोस्तों इस स्मार्ट सिटी के बाद और कौन सा स्टेट नेक्स्ट इस पॉलिसी पर काम करता है और नया कुछ इंडियंस के लिए लेके आता है। बाकी दोस्तों ये जानकारी कैसे लेकिन नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे और वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, जुड़े दीजिए चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।